जय साथियों, आज हम बात करेंगे केवीएस 2023 के इंटरव्यू में, साक्षात्कार में टॉप 10 कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, और ये वो प्रश्न हैं जो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आप अगर केवीएस के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और आपको उनके जवाब भी देने। सबसे पहला काम ये करेंगे, हम आपसे 10 सवाल पूछते हैं, फिर उन सभी प्रश्नों के जवाब भी हम आपको देते चलेंगे, ताकि आपको इन प्रश्नों के साथ साथ आपको अपने जो जवाब हैं वो भी पता चल जाए कि जब उस इंटरव्यू हॉल में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब आपको कैसे देना है। ये सेशन डे बाय डे वन चलता रहेगा, और इस सेशन में आप अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू में बेहतर और बड़ा स्कोर कर सकते हैं, उसके साथ साथ टीचिंग स्किल के लिए भी हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, क्लासेस लेकर आ रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गी के साथ आप खुद का अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए भी हम आपके साथ यहाँ पर एक नंबर शेयर करेंगे लर्निंग विद दुर्गी ऑफिस का, जिससे आप जुड़कर अपने मॉक इंटरव्यू को भी शेयर कर सकते हैं और खुद अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरे द्वारा सारी चीज़ें निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में होती हैं, जो ई लर्निंग विद दुर्गी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से होगी। आइए चलते हैं हम आपके साथ उन टॉप 10 सवालों की तरफ जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे भी सवाल है, और आप इसका जवाब सोचिएगा, और अंत में हम इन सभी प्रश्नों के जवाब भी आपको देते चलेंगे। पहला सवाल पूछा जाता है, आप अपने बारे में कुछ बताओ। हो सकता है महिला हो, पुरुष हो, तो आपसे ये पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताओ, आप बताइएगा। दूसरा, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा सवाल है, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, इसका जवाब भी आप लोग सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आता है कि आप एक शिक्षक के रूप में एक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में क्यों शामिल होना चाहते हैं, मतलब आप एक शिक्षक के रूप में ही केंद्रीय विद्यालय में क्यों शामिल होना चाहते हैं, इस प्रश्न का पूछने का क्या मतलब है वो भी मैं आगे बताऊंगा, और इसका उत्तर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या आप किसी भी शहर में काम करने के लिए तैयार हैं, क्या आप किसी भी शहर में काम करने के लिए तैयार हैं, पढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्या आप किसी भी शहर में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्यों? क्योंकि जो केवीएस के विद्यालय हैं वे ऑल ओवर इंडिया में फैले हैं, जरूरी नहीं कि आपके घर के पास ही केवीएस आपको मिल जाए। तो आपसे इसलिए सवाल पूछा जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और अब पोस्टेड हो जाए, उसके बाद क्या, नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे तो घर से दूर नहीं रह पाऊंगा, मतलब इस प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं कि आप स्नातक और परास्नातक, जिसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है, माने स्नातक और परास्नातक के दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आपका पसंदीदा विषय कौन सा था। कारण यही इस प्रश्न को पूछने का, यहीं से आपसे सवाल भी, क्रॉस क्वेश्चन भी होने हैं, इसलिए इस बात को विधिवत ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसकी बहुत सारी वीडियो सीरीज हमने बनाई है, उसको भी क्रमवार रूप से देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों के जवाब आपको मिलती रहे। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, ये सवाल का जवाब कैसे देना है वो भी आप बताइएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आप इंटरव्यू में अभी शामिल होते तो आप इसका जवाब क्या देते हैं। फिर उसके अलावा ये पूछा जाता है कि एक कठिन परिस्थिति का वर्णन करें और आप इसे कैसे दूर किया, मतलब आप अपने सामने एक कोई कठिन परिस्थिति पैदा करिए और इसको कैसे दूर करना है इसको भी बताइए, मतलब आपके सामने अगर आप अपने एक किसी कठिन परिस्थिति का वर्णन करिए और इसे कैसे आपने दूर किया इसको भी बताइए। फिर पूछा जाता है, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आज आपने क्या पढ़ा, कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, और वही न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, इस पर भी क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपना खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं, आप अपना खाली समय कैसे व्यतीत करती हैं या करते हैं। स्कूल शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को क्या समझते हैं। तो ये टॉप ऐसे 10 सवाल, इनको आप लिख लीजिएगा कॉपी कलम के साथ। अब इनके उत्तर को, इसके क्या जवाब हो सकते हैं, एक एक करके हम क्रमवार रूप से आपको देंगे। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ये वीडियो फेसबुक पर, ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, और इन लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। यहां से हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जहां से इंटरव्यू में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, और ये वे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में काफी मददगार, काफी योगदान देंगे। इसलिए अब इनके जवाब सोचिए जो आपको देना है, और आपने अभी तक क्या सोचा था। हमने पहला सवाल जो आपसे पूछा था, आप अपने बारे में
कुछ बताएं। ये पहला सवाल हर व्यक्ति से होगा, मतलब मैंने जो आपको सवाल दिया ना, ये हर उन व्यक्तियों से पूछा जाता है जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे, खासकर KVS का, TGT, PGT, PRT, म्यूजिक। तो यहाँ पे वास्तव में जो इंटरव्यू लेते हैं, जिसे हम साक्षात्कारकर्ता कहते हैं, को आपकी पृष्ठभूमि समझने के लिए, आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानने की इच्छा है, इसको हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, संक्षेप में बताइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपने बारे में, अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताइएगा। आपकी पढ़ाई क्या है और उस पढ़ाई के साथ अनुभव को भी शेयर करिएगा कि आपने इसके पहले कहाँ पढ़ाया है, कहाँ पढ़े हैं, इसलिए अनुभव को जरूर शेयर करिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे पास तो कोई अनुभव नहीं रहा है, लेकिन अगर आपने BTC, DLED, BEd किया होगा तो इंटर्नशिप आपने किया होगा, उसको भी इसमें जोड़ सकते हैं कि इंटर्नशिप के दौरान मैंने ये चीज़ें भी सीखी थी। और विभिन्न स्थानों पर काम करने की आपकी अनुकूलता को भी बताना, मतलब आपको ये भी बताना है अपने ही इसमें कि मैं शिक्षक के रूप में जो कार्य करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर मैं अपने ऊर्जा, अपने ज्ञान को उन बच्चों के साथ साझा करके साथ जोड़ूँ जो उनके भविष्य को लेकर बेहतर, उनका सर्वांगीण विकास कर सकूँ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि आप अपने बारे में जब भी बताएं तो बच्चों के भविष्य को जोड़ चले कि आप अपने इस जो अबाउट योरसेल्फ है, इसको कैसे हम KVS में कन्वर्ट करें। उसके अलावा आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या सोचा था, कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलनी विद दुर्गेश और इलनी विद दुर्गेश के ऐप में भी आपको मिल जाएगा। तो आप भी अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक कॉमन सवाल और आपसे पूछा जाता है, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, आप शिक्षिका ही क्यों बनना चाहती हैं। मैंने ये ऐसे कॉमन सवाल है जो आप सभी से पूछे जाते हैं कि आप शिक्षिका क्यों बनना चाहती हैं, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, अध्यापिका क्यों बनना चाहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर जब भी दें हमेशा याद रखें कि आप अपने लक्ष्य के और अपने उद्देश्य दोनों को बताएं। मैंने जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो आप अपना लक्ष्य भी बताएं और अपना उद्देश्य भी बताएं। इस प्रश्न के सर्वोत्तम उत्तर में अगर हम बात करें, सबसे बेहतर जो उत्तर हो सकता है कि वे भूमिकाएं और उत्तरदायित्व शामिल होंगे जिन्हें आप सरकारी शिक्षक के रूप में समाज के लिए निभाने में सक्षम होंगे। मतलब हमेशा इस बात को बताएं कि आप एक शिक्षक के रूप में समाज का सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे, इस समाज के साथ सकारात्मक रूप से कैसे चलेंगे, इसमें आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी उत्तरदायित्व क्या होगी, इस बात का भी मेंशन करें। यह आपके नंबर को बढ़ाने के साथ साथ जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना उन पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ जाएगा और आपका इंटरव्यू यूनिक भी होगा। वैसे आपने इस प्रश्न का जवाब क्या सोचा था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आप हमसे बेहतर जवाब दें। आगे अगर हम बात करें तो आप शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में केंद्रीय विद्यालयों में क्यों शामिल होना चाहते हैं, मैंने एक अध्यापक या अध्यापिका के रूप में आप केंद्रीय विद्यालय में क्यों शामिल होना चाहते हैं, एक कॉमन सा सवाल है और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि यहां पर यह जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपकी ज्ञान क्या है, आप कितना जानते हैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में। तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको पढ़ना होगा। वैसे इलर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में विस्तृत नोट्स भी आपको मिल जाएगी, जहां पर आप इस तरह के सवाल और इसके जवाब कैसे देने हैं उसको भी आप जोड़कर पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण भी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इलर्निंग विद दुर्गेश साथ मॉक इंटरव्यू फेस करें तो उसके लिए भी आप इलर्निंग विद दुर्गेश का जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे आप जरूर जुड़िएगा और कोशिश करिएगा कि इस मॉक इंटरव्यू में भी आप सम्मिलित रहिएगा, क्योंकि इस मॉक इंटरव्यू के माध्यम से हम आपके साथ जो आपका इंटरव्यू अनुभव उसको इलर्निंग विद दुर्गेश में जरूर जोड़ेंगे। वैसे मैं अभी आपके क्वेश्चन को आगे लेके चल रहा हूँ, आप लोग अब परेशान ना होइएगा कि अरे सर ये तो सर अभी तो कुछ बता रहे थे अभी कहाँ गायब हो गए। तो हम आपको बता रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, हम आपके कोशिशें करेंगे कि आप इलेनी में दुर्गा अपना मॉक इंटरव्यू जब देंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा।
ठीक है, तो आप सबसे बड़ा ये होगा कि हम आपके साथ लाइव इंटरव्यू लेंगे, तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि आपके अंदर जो डर है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो इस पर व्हाट्सएप करेंगे, एक लिंक मिलेगा DCF फॉर्म, जैसे जो आप इंटरव्यू में जाने से पहले जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म आप भरेंगे, और उसके साथ आपकी लाइव इंटरव्यू होगी जो इलेनी विद दुर्गेश शेयर की जाएगी अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि आप एक शिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय में क्यों शामिल होना चाहते हैं, इसको ये जानना चाहते हैं कि आप KVS के बारे में कितना जानते हैं। एक और सवाल है कि क्या आप एक शिक्षक की शिक्षिका के रूप में शहर में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर पढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में क्या भारतीय किसी भी शहर में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें, बताएं कि आप किसी अन्य स्थान या दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित होने में कितना सहज है, स्थानांतरित होने में कितने सहज है। तो हमें कोशिश करना, जैसे हिंदी भाषी है, हिंदी मीडियम है, तो बताइए कि हिंदी भाषी राज्यों में होगा तो हम अच्छे से चीज़ों को बता पाएंगे, लेकिन उसके अगर राज्यों में होगा तो वहाँ की संस्कृति कल्चर से जुड़ पाएंगे, क्योंकि NCERT 2005 भी ये बात कहता है, और NCERT के जो बुक है वो भी ये कहते हैं, और ये बताते हैं कि अनेकता में एकता भारत है, भारत में अनेकता में एकता है। हम जब किसी अन्य राज्य के साथ जुड़ते हैं तो हम उस सामाजिक कक्षा में हम अपने और उनके जो स्थानीय संस्कृति कल्चर वेशभूषा सभ्यता इन सभी को हम एक साथ लेकर चलते हैं, जिससे बच्चों में सर्वांगीण विकास भी होते हैं। वैसे आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या सोचा था कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और सवाल आपके सामने आता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपने बताया कि हाँ, अगर कोशिश की जाएगी अगर हिंदी भाषी राज्यों में रहेगा तो ठीक है, वैसे हमें चाहते हैं कि पूरे भारत में जाएं और पूरे भारत के संस्कृति कल्चर को खुद के साथ बच्चों के साथ मिलकर साझा करें और बच्चों के सर्वांगीण विकास करें। मतलब ये बात जरूर जाहिर करेगा कि आप किसी भी स्थान पर काम करने के लिए तैयार, क्योंकि आपकी रुचि है पढ़ाने में। एक सवाल ये पूछा जाता है कि आप स्नातक और परास्नातक के दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय आपका फेवरेट, जैसे BSc होंगे, कोई MSc होगा, कोई BCom MCom होगा, या कोई BBA होगा MBA होगा, या कोई BA MA होगा, तो MA जो होंगे उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि जिस समय आप ये बताएंगे वहाँ से ये मानकर चलिए वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन होना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आप जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपके जो विषय थे तो उन विषय के नाम याद रखिएगा, पेपर कौन कौन से हुए थे। जैसे मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में, मानी BA फर्स्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन में भूगोल में कौन कौन से पेपर पढ़े, उन पेपर के नाम क्या थे, सेकेंड ईयर में पेपर के नाम क्या थे, थर्ड ईयर में पेपर के नाम क्या था। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पेपर हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए क्योंकि आपका पसंदीदा विषय इसीलिए पूछा जाता है ताकि आप उनके साथ जुड़े और आप से वो उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सके। तो ये कॉमन चीज है, उसके अलावा भी आपसे सब्जेक्ट में भी जाकर सवाल पूछा जा सकता है। एक बार पूछा जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूती क्या है, तो इस उत्तर में आपको अपनी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को बताना है। जैसे अच्छा संचार कौशल है, नेतृत्व करने के गुण है, मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि है, तो आपको उन कमजोरियों का भी उल्लेख करना होगा जो आपके पास पहले थी, बाद में आपने अपने प्रयासों से उन्हें दूर कर लिया। मतलब आपकी कमजोरी भी थी लेकिन इस समय आपने दूर कर लिया है। तो याद रखिए, मतलब आप उनको ये भी बताएं कि आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे कहते सर मैं पहले बात करने में झिझकता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन आज मैं इंटरव्यू में काफ़ी सहज महसूस कर रहा हूँ और मैं अपनी बातें रख पा रहा हूँ, तो पहले मुझे थोड़ा डर लगता था मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा, तो ये मेरी कमजोरी थी। तो एक कॉमन ऐसा जवाब होगा जो इंटरव्यू को भी पसंद आएगा, इंटरव्यूअर जो होंगे उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि वो भी जब कभी इंटरव्यू देने के लिए होंगे उनको भी डर सा लग रहा होगा, यार कैसे होगा, क्या होगा, ये मुझे शुरू से था कि अगर मैं इंटरव्यू दूंगा या चार लोगों में बात कैसे करूंगा, लेकिन जब से मैंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने जोर से प्रशिक्षण लिया, मैं बच्चों के साथ जब मेरी इंटर्नशिप किया तो फिर मैं बोलने की धड़ा खोल गया, मैं टीचरों से बात किया, अब मैं अपनी बातें लोगों तक अच्छे से रख पाता हूँ, बोल पाता हूँ, लेकिन अब ऐसी कमजोरी मेरी नहीं रही है। तो ये खासकर एक प्रभावशाली उत्तर होगा। वैसे आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या सोचा है इस कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल पूछा जाता है कि एक कठिन कार्य परिस्थितियों का वर्णन करें, मतलब आप अपने जीवन में या कोई ऐसी स्थिति का वर्णन करें जो आपके सामने विकट रूप में थी और आपने इसे कैसे दूर किया। तो ऐसी घटना को लेकर करने का प्रयास करें जिसमें आपने साथियों के साथ
टीम वर्क के माध्यम से इस समस्या को सुलझाया था, इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकले थे, एक सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। मतलब हमेशा याद रखिएगा, ऐसा मत कहिएगा सर मैं बार बार फेल हो रहा था। मतलब आप ऐसी समस्या रखिएगा जिस समस्या को आपने सुलझाने के लिए आपने टीम भावना के साथ काम किया। कोशिश करिएगा अपने शैक्षिक गतिविधियों का ही कोई एग्जाम्पल दीजिएगा। वैसे आप इसका सबसे विशेष उत्तर क्या दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इलानी विद दुर्गेश पर आपके लिए KVS के मॉक इंटरव्यू चल रही है, आप उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। आप चाहे तो इलानी विद दुर्गेश के इंटरव्यू सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक पढ़ा जाता है कि क्या आपको अखबार पढ़ना पसंद है, तो याद रखिएगा जरूर बताइएगा हाँ पसंद है। और उस समय आप अखबार भी जरूर पढ़िएगा, जैसे आज से ही पढ़िएगा, मतलब उस समय की बात थोड़ी, आज से अखबार जरूर पढ़िएगा आपने क्या पढ़ा था। तो हमेशा याद रखिएगा जो इंटरव्यू लेते हैं इंटरव्यू पैनल, प्रायः वो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू ऐसे अखबारों को पढ़ते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इन इंटरव्यू के समय जो 10-15 दिन बीत रहा है इन अखबारों पर नजर डालिएगा, और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाइए उस दिन द हिंदू जरूर देखा जाए, क्योंकि प्रायः वो इस ऐसे समाज से ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे वो द हिंदू ज़्यादा पढ़ता है। तो एक कॉमन अपने मन में बैठा लीजिएगा कि द हिंदू को 2-3 दिन पहले से एनालिसिस करके आइएगा, क्योंकि वो वही अखबार पढ़कर आते हैं, वही वो जानना चाहते हैं। तो आप ऐसे ही अखबारों का नाम बताएंगे जो आप पहले प्रतिदिन पढ़ते हैं और ये आपके पढ़ने की आदतों के बारे में जानना चाहते हैं। इससे वो क्या करते हैं कि आपकी आपके जो जनरल नॉलेज है, जो समसामयिकी है, जो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसके बारे में आपकी जागरूकता क्या है और आप बच्चों कैसे जागरूक करेंगे, तो इसके लिए और हो सकता है आपसे एक दो क्रास प्रश्न भी इस पर से पूछ ले। अभी हाल में जो सीरिया मुआ क्या है, या अभी जो हाल में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सही है कौन गलत, ऐसे सवाल प्रायः आपसे पूछे जाते हैं। एक और यूनिक सवाल है प्रश्न नंबर 9, जो आपने भी लिखा होगा और पढ़ा भी होगा कि आप अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करती हैं, या आप अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करते हैं। तो इसका भी जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा, कॉमेंट करके जरूर दीजिएगा। वैसे मैं आपको चाहूंगा कि इसका उत्तर देते समय आप हमेशा जितने भी प्रश्न का जवाब देंगे पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा, गुमराह मत करिएगा, और कोशिश करिएगा कि पहले से प्रश्नों के उत्तर रेडीमेड तैयार कर लीजिएगा। और आप चाहें इलानी विद दुर्गेश का इंटरव्यू का कोर्स भी है, उस पर भी आप जोड़कर पढ़ सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं आप सभी लोग। तो इसमें ध्यान रहे आपको कि आप संपूर्ण जो व्यक्ति हैं विशेष चीजों के लिए भावुक हैं, उन उत्तरों से बचे जो आपको अरुचिकर हो या जिसमें ये बदतर हो, अनुपयुक्त लगते हैं। मतलब आप हमेशा याद रखिए कि खाली पल में बचने के लिए कोशिश क्या करिए बताइए, हम किताबें पढ़ते हैं, या जैसे जो आपने फेवरेट सब्जेक्ट अपना बताया था ग्रेजुएशन में उन किताबों के नाम बताइए, सर वही किताबें मैं पढ़ता हूँ, और कोशिश करिएगा सर मैं NCERT किताबें पढ़ता हूँ या ज्योग्राफी, उस पर भी प्रश्न होने। तो हमेशा कोशिश ये करिएगा जो अपना फेवरेट विषय है उन्हीं की बताइए किताबें पढ़ते। तो प्रायः पूछ लिया जाता है अभी हाल में आपने कौन सी किताब पढ़ी, किस राइटर की पढ़ी है, तो ये भी याद रखिएगा कि 2-3 किताबों का नाम आप याद रखिएगा, उसमें पूछ लेंगे पहला लेसन क्या था, दूसरा क्या था, हो सकता है जिस किताब के बारे में बात करो वो किताब सामने वाले ने भी पढ़ी हो। तो इस तरह से हमेशा ये प्रयास करिएगा जो भी आपके जवाब हो वो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हो। तो इसमें आपने भी आप अपना जवाब बताइएगा आप इसमें क्या करेंगे। एक सवाल कॉमन सा पूछा जाता है कि आप एक स्कूल शिक्षक या शिक्षिका के रूप में अपनी जिम्मेदारी क्या समझते हैं, कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो एक स्कूल शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा और कॉमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये KVS के वो इंटरव्यू के प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं यहीं से, और अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आप यकीन मानिए इंटरव्यू के लिए काफी नजदीक और करीब है। पहला तो आप रखिएगा कि सीखने के प्रारंभिक चरणों में जो विशेषज्ञ बनने तक बच्चों में मदद करना, मतलब बच्चों को NCERT 2005 के आधार पर उन्हें ज्ञान की बाहर की दुनिया से जोड़ना, चार दीवारी से बाहर की दुनिया से जोड़ना, परीक्षा आयोजित करना, ग्रेडिंग करना, मतलब परीक्षा भी आयोजित करनी है, ग्रेडिंग करना है, बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहना है और उनकी कमियों को समझते हुए उनको उनका निराकरण भी करते रहना है आपको, छात्रों के साथ समूह और व्यक्तिगत रूप से भी काम करना है, माने जो ऐसे लगते हैं बच्चों को जिनको आपकी व्यक्तिगत जरूरत है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि हम बच्चों के साथ सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भी काम करना चाहते हैं, प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं और पर्यवेक्षण भी करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां जरूरत पड़े उसे उस आधार पर उसकी मदद की जा सके ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए माता पिता के साथ नियमित बैठक भी करते हैं, और कभी कभी हम शिक्षक के अपने क्लास में पढ़ाने सभी शिक्षकों के साथ भी उनके साथ हम बात करते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या किया जाए और किन विषयों में उसके साथ अरुचिकर लग रहा है, क्या से कारण है जिनकी वजह से वो बच्चा की जो प्रगति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी बातों पर क्रमवार रूप से एक एक करके आपको प्रभाव डालनी है और एक एक करके आपको पढ़ते रहनी है।
उम्मीद करते हैं कि 10 सवालों के जवाब इन 10 ऐसे प्रश्न थे जो आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण थे, और उम्मीद करते हैं आप इन 10 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लिया होगा, ध्यान से आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो ना, तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर जाइएगा, आप अपने सवाल पूछिएगा। मॉक टेस्ट लेने के लिए, मॉक टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए एक नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे जाइएगा और आप अपने मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। एक सवाल मेरा आपसे है, और जाते जाते मैं चाहूंगा आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा। आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा बार बार आपसे सवाल पूछता है, तो इस दशा में आप क्या करेंगे? जी हाँ, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, इस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। डर नहीं रहना चाहिए, और कैसी क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, इस पर भी हम आपको वीडियो बना के देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए नियमित इस पर काम करें। तो आपके लिए हम चाहते हैं अब की बार एक सीट हमारा का सपना पूरा हो, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर परिवार, हर माँ बाप का सपना पूरा हो, और साथ ही साथ आपका भी सपना पूरा हो, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। इस वीडियो पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और इंटरव्यू के सभी कोर्सेज आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाते रहते रहिएगा, कोई अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अब की बार एक सीट हमार, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सभी का, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012।